अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो जनाब आप सबको जुमा मुबारक। आज जुमा का दिन है और अभी मैं, राजा और दिलावर जा रहे हैं जुमा की नमाज के लिए। और दिलावर से याद आया, इस टाइम मैं हूँ फ्रांस। मैं और राजा कल आ गए थे फ्रांस में, जरा हॉलीडे थी तो हमने सोचा जरा घूम फिर के आते हैं। और ऑब्वियसली आपको क्योंकि जुमा का दिन है तो साथ साथ जरा एक्सपीरियंस कराएंगे यहाँ की नमाज का, क्योंकि जुमा की आई थिंक मेरी प्रेयर यहाँ सेकेंड टाइम है इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर भी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है क्योंकि कम्युनिटी ऑब्वियसली डिफरेंट है। यहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं अरबी हैं, मोरक्कन अरबी हैं, तो नज़र आते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर। बहरहाल अभी ज़रा मस्जिद ही चलते हैं, लेट ना हो जाए, और फिर वहाँ पर चल के आपको ज़रा व्यू दिखाएंगे। उसके बाद जहाँ पर भी घूमने जाएंगे आपको ऑब्वियसली साथ साथ दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सामने अभी मुझे मॉस्क नज़र आना शुरू हो गया है और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मॉस्क है, डिफरेंट स्टाइल की है, डिफरेंट स्टाइल की मॉस्क है लेकिन काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत मॉस्क है। अभी अब अंदर हमें जगह मिल जाए क्योंकि हम थोड़े से लेट हुए हैं। अच्छा जी, अभी हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं बेसमेंट में क्योंकि ऊपर हाँ मॉस्क जो है ऑलरेडी फुल हो चुकी है, तो अभी इसलिए हम ज़रा नीचे आए हैं। ये इन्होंने एक्स्ट्रा जो है स्पेस बनाई हुई है नमाजियों के लिए। अभी जो खुतबा हो रहा है वो सारा फ्रेंच लैंग्वेज में हो रहा है। Petit mot pour eux, puisque c'est pas tout le temps qu'ils viennent à la mosquée. अच्छा जी, जुमा की नमाज हो गई है तो अभी मैं हम ज़रा ऊपर आए थे ऊपर से ज़रा मॉस्क को देखने के लिए। माशाल्लाह ऊपर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मॉस्क है और डिफरेंट स्टाइल की बनी हुई है। ये राजा और दिलावर, प्लान कुछ इस तरह से है। जब भी आपको नज़र आ रहा होगा अभी हम आ गए हैं पेरिस सिटी सेंटर और प्लान हमारा आज ये है कि क्रूज़ शिप में जो है टूर करना है हमने। मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। और उसके अलावा अगर आप सामने देखो तो ऑब्वियसली यहाँ का फेमस आईफल टावर भी है, लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने अपने लास्ट टू व्लॉग्स में ऑलरेडी जो है वो कवर किया हुआ है पेरिस आईफल टावर को, तो इस दफ़ा उस जगह पर जाने का प्लान नहीं है। मेन हमारा प्लान यही है कि क्रूज़ में जाएंगे, तो अभी बाहर जा रहे हैं, वॉक करते हुए जा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं। और इस जगह पर आपको ये बोट्स नज़र आ रही होंगी, ब्लैक कलर की बोट्स ये सामने और इस तरफ, ये इनमें से कुछ रेजिडेंशियल बोट्स हैं
और कुछ जो हैं बीच में कह लो कि रेस्टोरेंट्स बने हुए होते हैं यहाँ पर अंदर नीचे, तो ये भी एक ज़रा सा डिफरेंट सा स्टाइल है। कुछ लोग जो प्रेफर करते हैं इस तरह का एक्सपीरियंस तो वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, बोर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सामने हैं और अभी हम इस साइड पर हैं तो ऑब्वियसली हमें ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, तो क्रॉस करके विल गो ऑल द वे ओवर देयर। अच्छा जी, आईफल टावर की अभी तक लाइट्स जो हैं वो ऑन नहीं हैं, आई थिंक तकरीबन हाफ एन आवर तक स्लोली स्लोली करके जो है लाइट्स ऑन करेंगे। इधर आपको एक चीज़ लगी नज़र आ रही होगी, यहाँ पर लोग पिक्चर बनवा रहे हैं, इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ हमारी क्रूज़ की राइड का क्या बना। उसका ये बना है कि हमने टिकट्स परचेज नहीं थी की इसी तरह ही आए हैं और यहाँ पर आके पता चला है सिर्फ ऑनलाइन परचेज है, जो यहाँ पर फिजिकली बाय करते हैं वो सारी आज के दिन की खत्म हो चुकी हैं। तो फिर हमने ये डिसाइड किया है कि वहाँ पर कल आ जाएंगे दोबारा से। अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या सीन यहाँ पर चल रहा है। पेरिस 2024 ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं और इस दफ़ा ओलंपिक्स जो हैं वो पेरिस में होने हैं, तो अभी 243 डेज लेफ्ट है ओलंपिक्स स्टार्ट होने में 2024 के, आई थिंक मिड में जाके स्टार्ट होंगे, तो उसी के बारे में उन्होंने बताया है। बहरहाल अभी ज़रा जो है ना ऊपर की तरफ चलना, पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो हैं पिक्चर बनाने के आर्टिस्ट नज़र आएंगे, जो कि कह लो कि आपकी पिक्चर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सामने देखो ये लड़का बैठा हुआ है इधर और इसकी पिक्चर बंदा ये बना रहा है इस तरह, ये भी वैसे बड़ा टैलेंट है। वो मुझसे पूछ रहे थे कि सही बन रही है, मैंने कहा अच्छी बन रही है। अच्छा जी, इस जगह पर मैं दिलावर से जरा पूछ रहा था कि दिलावर साहब ये बताओ कि ये क्या चक्कर है, तो ये दिलावर बता रहा था ये वॉर में जिनकी डेथ हो गई है उनके सारे नाम लिखे हैं तो उनकी याद में ये सीन है और ये फ्लैग इसी वजह से बनाया गया है। तो बहरहाल अभी हम चलते हैं क्रिसमस मार्केट की तरफ। बड़ा ही दुख हो रहा है कि हम जो है अपनी क्रूज़ में नहीं बैठ सके, अपनी गलती है क्योंकि जनाब हम लेट ही काफ़ी ज़्यादा आए हैं, क्योंकि दो तीन काम थे जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम। बहरहाल एक अच्छी बात है कि नाइट के व्यू को जो है हम इंजॉय कर रहे हैं। लास्ट टाइम अगर आपको पता हो तो हम रात को आए थे लेकिन हम घूमे बिना ही वापस चले गए थे, क्योंकि तब हम गए थे आई थिंक और भी ट्राइम वाली जगह पर गए थे, अगर आपने वो व्लॉग देखा हो। लेकिन आज आपको नाइट व्यू ज़रा दिखाते हैं और खुद भी इंजॉय करते हैं सारा ये पेरिस का नाइट व्यू। अच्छा जी, अभी क्रिसमस मार्केट के अंदर आ गए हैं। क्रिसमस तो वैसे गुजर गई है लेकिन मार्केट जो है इसका सीन अभी भी ऑन है, स्पेशली ये जो फूड प्लेसेस है। अच्छा जी, इधर हम अभी क्रिसमस मार्केट के जो है अंदर आ गए हैं और मैं अभी बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ पर सीन कुछ इस तरह से है कि मेरा प्लान बना है कि यहाँ पर अभी वॉक करते हुए आप इस तरफ जाते हैं और जाते हुए आपको सारा जो है ना फूड टूर बताते हैं यहाँ का। फूड टूर क्या कराते हैं, मतलब कि आपको दिखाते हैं साथ साथ कि यहाँ पर फ्रेंच फूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फ्रेंच फूड की वैरायटी क्या क्या है, और ऑब्वियसली इसमें ट्रेडिशनल में मिक्स हुआ होता है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल से मतलब मेरा टर्किश है, लेबनीज फूड है, हर चीज़ है, तो सारा कुछ मिक्स चल रहा होता है यहाँ पर। लेकिन आपको सब कुछ दिखाते हैं और बहुत सी चीज़ें हलाल नहीं होंगी, लेकिन ये जिस तरह शैंक्स लगी हुई हैं, पाए वगैरह, टर्की वगैरह, हर चीज़, तो बहरहाल आपको फिर भी ये सारा टूर करवा के दिखाते हैं ताकि आपको यहाँ के फ्रेंच स्टाइल फूड के बारे में पता चले। जो है इन्होंने फ्रूट्स के ऊपर चॉकलेट्स बनाई हुई हैं, कोटिंग हुई है चॉकलेट्स की, स्ट्रॉबेरी के ऊपर फॉर एग्जांपल इस जगह पर चॉकलेट की कोटिंग हुई भी है। ये यहाँ के फ्रेंच ट्रेडिशनल मैक्रोन्स,
आपको डिफरेंट जो कह लो कि जो टी होती है लेवेंडर टी, उसके पैक्स बने हुए हैं. वन पैक इज इक्वल टू 6 euros, 2 is 10, और यहाँ पर डिफरेंट जो हैं सोप्स ही पड़े हुए हैं. अच्छा जी, ये जो है ये चॉकलेट मैं स्विट्ज़रलैंड से भी लेके आया था, काफ़ी ज़्यादा नाइस थी, और इधर मुझे फ्रांस में भी नज़र आ रही है. राजा और दिलावर इधर आके हैं. एफिल टावर की इन्होंने वाइट ब्लिंकिंग लाइट्स भी ऑन कर दी हैं, जो कि ब्लिंक हो रही हैं और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है. अभी अच्छा जी, प्लान अभी ये है कि अभी हम जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि रात के 7:30 बजे का टाइम हो गया है. और उसके अलावा एक और चीज़ जो माइंड में है वो है आइस स्केटिंग. आइस स्केटिंग क्योंकि दिसंबर सीजन है तो वो भी ओपन है, तो वहाँ पर भी हम विजिट करने के लिए जा सकते हैं. दोबारा अभी आप ट्राई करो और मुझे इजाज़त दो, और राय साहब को भी इजाज़त दो. दिलावर ऑलरेडी जा चुका है, तो इसी साथ होगी मुलाकात आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.